हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाया मूंग दाल के पकौड़, इसे मंगौड़े भी कहे जाते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। देर न करते चलते वीडियो को शुरू करते। हमने यहाँ 200 ग्राम दाल, मूंग का दाल भिगो कर रखा था 1 से 1.5 घंटे पहले। ये देखिए, दाल पूरे तरह से पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, अच्छे से फूल चुका है। आपको मैं दिखा रही हूँ, देख सकते हैं। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर में पीस लेंगे। आपको ध्यान रखना है, पेस्ट को बिल्कुल पतला नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। इससे मूंगोड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हमने यहाँ 4 से 5 लहसुन की कलियाँ लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च लिए, 1 बारीक कटा हुआ अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, इसे पीस लेंगे। चलते इसे पीस लेते हैं। ये पीस चुका है दाल। देखिए, हमने दाल को दरदरा पीसा है। इसे हम आधी चम्मच जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर आधी चम्मच, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसमें हम आधी चम्मच गरम मसाला भी ऐड करेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़े से हरा धनिया। इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, मसाले और मूंग दाल अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मिक्स हो चुके हैं। मैं इसमें ज़रा सा कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो बिल्कुल तीखा नहीं होगा। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च पाउडर आप ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। आपको ऐड करना तो करिए, नहीं करना तो कोई बात नहीं। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आपको इसके छोटे छोटे पीसेस लेने हैं। मैंने यहाँ हाई फ्लेम पर तेल को गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर ये छोटे छोटे पीसेस डाल रही हूँ इसमें। आपको तेल को हाई फ्लेम पे गर्म करना है, फिर लो फ्लेम करना है, ताकि मूंगोड़े जो अंदर से पक सके। तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखना है, तेल को ज़्यादा गर्म करना है, फिर लो फ्लेम कर देना है, ताकि अपने जो मुंगोड़े हैं वो कढ़ाई में ना चिपके। मुंगोड़े यहाँ फ्राई हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, बढ़िया कलर आए हैं मुंगोड़े में। इसे हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो इसे टिश्यू पेपर पर भी निकाल सकती है, जो एक्स्ट्रा ऑयल सोख सकता है। हमने यहाँ नॉर्मल प्लेट में निकाला है, क्योंकि हमारे मुंगोड़े जो है तेल एक्स्ट्रा तेल नहीं पिए हैं, इसलिए मैंने नॉर्मल प्लेट में निकाला है। चलते सर्व करने के प्रोसेस में। ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को ये बेहद पसंद आएगा, और बहुत ईजी तरीके से मैंने बनाया है। चलिए मैं आपको तोड़कर दिखा रही हूँ। देखिए, केचप के साथ कितना बढ़िया लग रहा है, हरी धनिया के साथ कितना खिला खिला दिख रहा है। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।